स्टूडेंट्स, तो जीप लेवल 2 जनरल साइंस सामान्य विज्ञान जो आपके पटवार भर्ती एसआई परीक्षा एसएससी रेलवे तो जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिनमें जनरल साइंस का टॉपिक आता है तो उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भोजन के प्रमुख अवयव कमी से होने वाले रोग संतुलित भोजन जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। रीट लेवल 2 में बायोलॉजी में यह टॉपिक दिया गया है। तो टॉपिक डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको जनरल साइंस से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम की जनरल साइंस से रिलेटेड सभी टॉपिक आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर रीट लेवल 2 साइंस एंड मैथ पटवार एनटीपीसी रेलवे और सभी प्लेलिस्ट जो है अपने कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग आसानी से देख सकते हैं उनके अंदर जो टॉपिक दिए गए हैं। और आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो भोजन के प्रमुख अवयव कमी से होने वाले रोग व संतुलित भोजन, तो भोजन के प्रमुख अवयवों में हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन और खनिज लवण, ये भोजन के प्रमुख अवयव है। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन और खनिज लवण, तो भोजन में इन अवयवों की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जो हम अनाज खाते हैं, चावल लेते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होते हैं, प्रोटीन है, खनिज लवण है, हमारे भोजन के जो प्रमुख अवयव हैं। इसके अलावा वसा जो घी या तेल वगैरह है और जल, वसा और जल भी इसमें सम्मिलित हैं, लेकिन कमी इनकी कमी से हमारे शरीर में कोई ना कोई रोग हो जाता है। तो जिस भोजन के अंदर इन अवयवों की पर्याप्त मात्रा या आवश्यक मात्रा परिपूर्ण होती है तो ऐसे भोजन को हम लोग संतुलित भोजन बोलते हैं। तो संतुलित भोजन क्या है? जिनमें भोजन के सभी प्रमुख अवयव कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा और जल पर्याप्त मात्रा में होते हैं, सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट में होते हैं, तो ऐसे भोजन को हम लोग संतुलित भोजन बोलते हैं। और यदि भोजन में इनमें से किसी एक अवयव की कमी हो जाए तो व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। इनमें से किसी अवयव की कमी होने पर, अगर किसी भी अवयव की कमी हो गई तो व्यक्ति जो होगा वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा और अवयव की कमी से उस व्यक्ति में कोई ना कोई रोग हो जाएगा। ऐसे रोग को उसकी आपूर्ति करके वापस दूर किया जा सकता है। अब कार्बोहाइड्रेट जो है तो ये तो ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा की कमी होती है इनसे तो, लेकिन रोग जो होते हैं विटामिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से और खनिज लवण की कमी से, विटामिन की, प्रोटीन की और खनिज लवण की कमी से कोई ना कोई रोग हो जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विटामिन। विटामिन विटामिन और इससे होने वाले कमी से होने वाला रोग, रोग डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ कमी से होने वाले रोग ही बताया हुआ है। अब वो विटामिन होता किस किस में है तो उसको डिस्कस करना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ उस अवयव का नाम और उसकी कमी से होने वाले रोग ही हमारे सिलेबस के अंदर है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इसमें। तो विटामिन ए, जो पहले विटामिन लिख देता हूँ मैं सारे, विटामिन ए, विटामिन बी वन जिसको हम थायमिन बोलते हैं, बी वन, थायमिन, बी टू, विटामिन बी टू जिसको हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं, राइबोफ्लेविन, B12
जो मुख्य मुख्य वही लिख रहा हूँ, B12 साइनोकोबालमिन के नाम से जाना जाता है, B12 को। साइनोकोबालमिन B12, उसके बाद विटामिन सी एस्कोर्बिक एसिड, विटामिन सी एस्कोर्बिक अम्ल, विटामिन डी कैल्शिफेरोल, विटामिन ई विटामिन के, और एक और होता है विटामिन एच। विटामिन एच। अब इसमें से बता दूं मैं आपको, विटामिन ए और विटामिन ए, डी, ई और के, विटामिन ए, डी, ई और के, ये तो वसा में घुलते हैं। तो विटामिन जो है वसा विलेय, जो वसा में घुलते हैं, वसा विलेय विटामिन, ये कौन कौन से हैं? ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलने वाले विटामिन हैं। तो इनका संचय हमारे शरीर में हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर फैट है, सबकी बॉडी में फैट है, चाहे किसी में ज़्यादा हो चाहे किसी में कम हो। तो ए, डी, ई और के जो है ये वसा में घुलते हैं, हमारे शरीर में संचित हो जाते हैं, और जो बी और सी है वो जल में घुलते हैं, जल विलेय। विटामिन बी और सी ये जल में घुलते हैं, तो जल में घुलते हैं, तो ये जल में घुलकर मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये जल विलेय होते हैं, इसलिए मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, बी और सी ये जल विलेय हैं। तो मूत्र के द्वारा ये हमारे शरीर से उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, अतः इनकी शरीर में कमी रहती है, इसलिए भोजन में इनका होना बहुत जरूरी है। ये तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुए तो भी चल जाएंगे, ए, डी, ई और के थोड़े बहुत कम ज़्यादा हुए तो चल जाएंगे, क्योंकि ये वसा में घुलते हैं, हमारी बॉडी में पहले से स्टोर है। लेकिन बी और सी जल में घुलते हैं, तो ये मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इसकी निरंतर आपूर्ति आवश्यक है। अब किसकी कमी से कौन सा रोग होता है वो देखें अब, कि कैसे इसको याद रखेंगे। तो ए, ए से हो जाएगा अंधा, ए से हो गया क्या? अंधा। अंधा कब होगा? रात को, पता है यहां रोग होता है रतौंधी, रतौंधी रोग। ए से क्या हो गया? अंधा। ए से हो गया अंधा। अंधा कब हुआ? रात को, यानी कम प्रकाश में उसको दिखना बंद हो जाता है, इस रोग को हम लोग रतौंधी रोग बोलते हैं। B1, B4 बेरी बेरी, B4 बेरी बेरी, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, B4 बेरी बेरी, B1 की कमी से होता है बेरी बेरी। होता क्या है इसमें? भूख नहीं लगती, भूख न लगना, और हृदय की धड़कन जो है वो कम हो जाती है, भूख नहीं लगती इस रोग के अंदर। B1 से बेरी बेरी, अपने से तो रोग ही पूछा जाएगा, B4 बेरी बेरी। अब B2 राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, तो इससे होता है राइबोफ्लेविनोसिस, तो वो तो नाम से पता लग जाएगा, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविनोसिस। होता क्या है इस रोग में वो देखें आप लोग, राइबोफ्लेविन। अब हिंट दे रहा हूं आपको, बी से बेरी बेरी, राइबोफ्लेविन। अब इसमें फ्लेविन लिखा हुआ है, फ्लेविन, फ्लेविन, तो फ्लेविन की कमी से मुंह में फाले हो जाते हैं, फाले यानी छाले, याद रह जाएगा आराम से, क्या हो गया? मुंह में फाले, फाले यानी छाले, तो मुंह व जीभ पर छाले होना। इसके अलावा जो मुख के किनारे होते हैं, होठ होते हैं, वो फटने लग जाते हैं, होठों का फटना, मुख के किनारों का फटना, तो राइबोफ्लेविन की कमी से, फ्लेविन की कमी से फाले हो गए। तो इसमें जो होते हैं वो सही में तो छाले बोलते हैं हम लोग, तो मुंह पे और जीभ पे छाले होने लगते हैं, इसके अलावा किनारे फट जाते हैं, तो छाले होना और दूसरा मुंह के किनारे फटना, ये इस विटामिन की कमी से होता है। B12 साइनोकोबालमिन एनीमिया रोग होता है, इससे रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग, रक्त की कमी। सी से स्कर्वी, सी से स्कर्वी,
स्कर्वी रोग हो जाएगा। सी से स्कर्वी, स्कर्वी में क्या होता है, दांतों और मसूड़ों से खून निकलने लगता है, दांतों व मसूड़ों से खून निकलने लगता है। डी में क्या होगा, डी में डी फॉर दांत, डी फॉर दांत, डी फॉर दांत, दांत व हड्डी कमजोर होना, तो विटामिन डी की कमी से दांत व हड्डी कमजोर हो जाती है। छोटे बच्चों में इस रोग को रिकेट्स बोलते हैं, रिकेट्स, छोटे बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी हुई है तो रिकेट्स रोग, रिकेट्स रोग हो जाता है, और अगर बड़ों में इस विटामिन की कमी हुई है तो अस्थि भंगुरता रोग हो जाता है, अस्थि भंगुरता, बड़ों में अस्थि भंगुरता बोला जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियां जो है वो खोखली होने लग जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां जो है वो खोखली होने लग जाती हैं, और जॉइंट बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं इस रोग के अंदर, ऑस्टियोपोरोसिस रोग के अंदर हड्डियां जो हैं वो खोखली हो जाती हैं। तो डी की कमी से दांत व हड्डी कमज़ोर होना, छोटों में रिकेट्स बोलते हैं और बड़ों में अस्थि भंगुरता, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ई की कमी से, विटामिन ई की अगर कमी हो तो नपुंसकता आ जाती है व्यक्ति के अंदर, नपुंसकता यानी जनन क्षमता में कमी हो जाती है, व्यक्ति में नपुंसकता आती है ई की कमी से, तो जनन क्षमता में कमी हो जाती है। और के फॉर खून, के फॉर खून का थक्का न बनना, विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता, के फॉर खून, तो जब अगर मैसेज टाइप करते हैं जैसे मोबाइल में तो खून कैसे ही लिखा जाएगा यूं, खून। डी फॉर दांत, सी स्कर्वी, बी बेरी बेरी, फ्लेविन में फाले, ए से अंधा, ए से अंधा, डी से दांत हड्डी कमजोर, कैसे खून की कमी और खून, खून का थक्का नहीं बनता कैसे, बी बी फॉर बेरी बेरी, फ्लेविन में फाले हो गए। तो इस तरह से बड़े आराम से हम लोग रोग याद रख सकते हैं। और अगर विटामिन एच की कमी हो जाए, विटामिन एच न तो वसा में घुलता है और न ही जल में, और अगर इस विटामिन की हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो हेयर लॉस, एच फॉर हेयर लॉस, बालों का झड़ना, एच फॉर हेयर लॉस, बालों का झड़ना विटामिन एच की कमी से होता है। तो ये विटामिन थे और इनकी कमी से होने वाले रोग। अब बात करें हम दूसरे अवयव प्रोटीन की, प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है वो हमारे भोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव, प्रोटीन, तो प्रोटीन से संबंधित दो रोग हैं, प्रोटीन से संबंधित दो रोग हैं, एक तो क्वाशियोर्कर और एक मैरसमस, एक तो है क्वाशियोर्कर और दूसरा है मैरसमस, एक तो है क्वाशी और कोर, और दूसरा है मैरसमस, मैरसमस। क्वाशी और कर में क्या होगा, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, क्वाशियोर्कर में प्रोटीन की कमी होगी, और मैरसमस में प्रोटीन के साथ ऊर्जा की भी कमी हो जाएगी। तो यहां प्रोटीन की कमी तो है ही है, प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी हो गई। तो क्वाशियोर्कर में प्रोटीन की कमी होती है, इसमें बच्चे को भूख कम लगती है और उसका पेट जो है वो फूल जाता है, यानी एक तरह से उसके शरीर में हम कह दें सोजन आने लग जाती है, त्वचा जो होती है उसकी पीली पड़ जाती है,
और बिल्कुल शुष्क हो जाती है, स्वभाव उसका चिड़चिड़ा हो जाता है और पेट जो है वो उसका फूल जाता है। स्वभाव चिड़चिड़ा होना, पेट फूलना, भूख कम लगना, ये क्वाशी और कोर के लक्षण है। मैरसमस में क्या होगा, बिल्कुल वो दुर्बल हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा, बिल्कुल दुर्बल, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है वो। इसमें प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की कमी हो जाती है, इसमें पेट जो होता है वो फूलने लग जाता है और इसमें जो बच्चा होता है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, आँखें जो हैं उसकी कांतिहीन हो जाती है और अंदर धस जाती है, आँखें बिल्कुल अंदर धस जाती है। तो आँखें अंदर धसी हुई, आंखें अंदर धस जाती है, आंखें अंदर धस जाती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, शरीर सूख कर बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। ये मैरसमस के लक्षण हैं। क्वाशियोरकोर में क्या होगा, प्रोटीन की कमी होगी, पेट फूल जाएगा, त्वचा पीली पड़ जाएगी, सूखी हो जाएगी बिल्कुल, स्वभाव उसका चिड़चिड़ा होगा, भूख कम लगेगी, ये क्वाशियोरकोर के लक्षण है। उसके बाद चले हम लोग, मेन तो इसमें यही पूछा जाता है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वाशियोरकोर, प्रोटीन के साथ ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग है मैरसमस। अब चले हम खनिज लवणों पे, प्रमुख खनिज लवण कौन कौन से हैं देखें हम लोग। तो प्रमुख खनिज लवणों पे अगर अपने चलते हैं तो हमारे को सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन, तो ये प्रमुख खनिज लवण है हमारे पास, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन। अब सोडियम पोटेशियम पंप हमारी बॉडी में चल रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट हो रहा है, जिससे जो विद्युत अपघट्यों की जो संतुलित मात्रा है वो हमारी बॉडी में बनी हुई है। तो सोडियम पोटेशियम का कार्य एक तो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करना, इलेक्ट्रोलाइट को संतुलित करना, और इसके अलावा मांसपेशी संकुचन में ये दोनों योगदान देते हैं, दोनों का सेम ही काम है, दोनों के दोनों मांसपेशी संकुचन में, तंत्रिका आवेग के संचरण में, और इसके अलावा शरीर का संतुलन बनाने में योगदान देते हैं, शरीर का संतुलन बनाने, दोनों ही मांसपेशी संकुचन में, तंत्रिका आवेग के संचरण में और शरीर का संतुलन बनाने में योगदान देते हैं। तो सोडियम पोटेशियम तो दोनों सेम काम करते हैं। अब बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम सबको पता है हड्डियों में पाया जाता है, तो ये विटामिन डी के साथ मिलकर, विटामिन डी में भी हमने पढ़ा है कि इसकी कमी से दांत और हड्डी कमज़ोर हो जाते हैं, तो विटामिन डी जो है हमारा ये हड्डियों को मजबूती देता है, तो कैल्शियम विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, हड्डियों व दांतों को, तो ये विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाता है, हड्डियां व दांतों को मजबूत बनाता है विटामिन डी के साथ मिलकर। और फास्फोरस जो है वो कैल्शियम के साथ मिला होता है, कैल्शियम फास्फेट बनता है, या कैल्शियम फास्फेट के रूप में ये डिपॉजिट रहता है फास्फोरस, तो ये भी हड्डियों और दांतों को मजबूत करने का काम करता है फास्फोरस भी। लौह तत्व जो है वो हीमोग्लोबिन के निर्माण में अपना योगदान देता है, हमारे रक्त में जो वर्णक है हीमोग्लोबिन, उसमें आयरन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन का निर्माण लौह तत्व के द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण, हीमोग्लोबिन का बनना, तो इसमें लौह तत्व अपना योगदान देता है हीमोग्लोबिन के बनने में। और आयोडीन जो है वो आपको पता है थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन के निर्माण में आयोडीन जो है वो अपनी भूमिका निभाता है, थायरोक्सिन हार्मोन के बनने में, थायरोक्सिन का बनना, इसमें आयोडीन अपनी भूमिका निभाता है, आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन, तो थायरोक्सिन की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में आयोडीन की भी कमी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें भोजन के प्रमुख अवयव और उनकी कमी से होने वाले रोग हमने डिस्कस किए। तो यदि आपको मेरे टॉपिक
बेनिफिशियल लग रहे हैं आपके लिए तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।